अजमेर तट 1719 से लेके 1785। आपका असल नाम सैयद मीर और दर्द तखल्लुस था। ख्वाजा मीर दर्द एक मारूफ खानदान के चश्म चराग थे। वालिद का नाम ख्वाजा मोहम्मद नासिर और उनका तखल्लुस अंदलीब था। उन्होंने शाही मुलाजमत छोड़कर दरवेशी इख्तियार की और दर्द ने मुरवजा दीनी अलून की तहसील अपने वालिद ही से की। दर्द भी एक दरवेश सिफत इंसान थे, चुनाचे कुछ अरसा मुलाजमत करने के बाद मुस्तकिल फकीरी और दरवेशी इख्तियार की और वालिद के बाद उनके जानिशी बने। तारीखी एतबार से ये ज़माना मसाइब व इब्तिला का ज़माना था। दिल्ली अंदरूनी शोरशों और बैरूनी हमलावरों की ज़द में था। हर तरफ बदमनी, लूटमार और कत्लो गारत का बाजार गरम था। इस आलम में शोरा और अहले इल्म हुनर दिल्ली को छोड़कर दूसरे शहरों का रुख कर रहे थे, लेकिन ख्वाजा साहब ने इन हालात में भी दिल्ली को ना छोड़ा और वहीं पर मुकीम रहे और वहीं पर उनका इंतकाल हुआ। ख्वाजा मीर दर्द बामल सूफी शायर थे। असर आफरीनी और दर्द मंदी उनके कलाम का बुनियादी वस्फ है। गजल नंबर 2। क्या फर्क दाग हो गुल में, क्या फर्क दाग हो गुल में कि जिस गुल में बू न हो, किस काम का वो दिल है कि जिस दिल में तू न हो। ये शेर तसव्वुफ का शेर है। ख्वाजा मीर दर्द बामल सूफी शायर थे और दूसरी शोरा के बरक्स इनके यहाँ तसव्वुफ के अफकार और ख्यालात महज अफकार और ख्यालात नहीं हैं, बल्कि वह सलूक की ये तमाम मंजिलें तय कर चुके हैं। यहाँ इसी तरह के एक तजर्बे को उन्होंने नहायत खूबसूरती से गज़ल के सांचे में ढाला है, शेर का जामा पहनाया है और अपना मतलब अदा किया है। कह रहे हैं कि फूल भी सुर्ख रंग का होता है और जख्म भी। फूल खुशबू देता है, यही खुशबू फूल को जख्म से मुमताज करती है। इसी तरीके से वो दिल जिसमें अल्लाह का तसव्वुर और उसकी याद नहीं है, वो दिल महज गोश का एक लोथड़ा है, दिल नहीं है, वो एक फूल है जिसमें खुशबू नहीं है। दर्द इस शेर में दिल के बारे में एक बहुत बड़ी हकीकत को वाज़े कर रहे हैं कि दिल वो मकाम है जहाँ अल्लाह ताला के जलमों की वसतें सिमट जाती हैं। वो अल्लाह जो कोनो मकाम में नहीं समा सकता, वो दिल मोमिन में सिमट जाता है। दर्द ही का शेर है। अर्जो समा कहाँ तेरी वसत को पा सके, मेरा ही दिल है वो कि जहाँ तू समा सके। एक सूफी और आशिक के दिल के वीरानों को अल्लाह की याद से आबादी मिलती है। वो अल्लाह के जिक्र से अपने दिल को मुनव्वर रखता है। अल्लाह का जिक्र उसके दिल को रोशन करता है और उसको हुस्न और खूबसूरती इनायत करता है। यही बात उन्होंने लिखा है कि अगर दिल में अल्लाह की याद नहीं, अल्लाह की मोहब्बत नहीं, तो वो दिल बेकार है, उस फूल की मानत है जिसमें खुशबू नहीं। होवे न हौल व कुव्वत अगर तेरी दरमियां, जो हमसे हो सके है सो हमसे कबू न हो। अल्लाह ताला के हम्द व सना बयान कर रहे हैं, उसकी सिफत का जिक्र कर रहे हैं कि वो कादिर है, हर चीज़ पे कुदरत रखता है। अगर अल्लाह ना चाहे तो जो कुछ के हम करते हैं वो हम कभी कर ना सकें। अल्लाह हकीकी कारसाज है, अगर वो असबाब मुहैया ना करे तो इंसानी इरादा कोई चीज़ ही नहीं है, इंसान कुछ नहीं कर सकता। जो कुछ भी हुआ हुआ करम से तेरे, जो कुछ होगा तेरे करम से होगा। इरादे को हुस्न अमल और हुस्न अमल को मंजिल से आशना करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। वही गम को मुसरत, अलालत को सेहत, दिक्कत को बरकत, अमल को सादत, सोच को सदाकत अदा करता है। वही कामों को संवारने वाला है, वही मुसीबतों में बचाव के असबाब मुहैया करता है, वही डूबती नैया पार लगाता है। पूरे कद से मैं खड़ा हूँ तो यह है तेरा करम, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा। यानी हक ये है कि हमारा काम सिर्फ कोशिश करना है, नतीजा हमारा नहीं, नतीजा अल्लाह की तरफ से है। जो कुछ के हमने की है तमन्ना,
मिली, मगर ये आरजू रही है कि कुछ आरजू ना हो। जिंदगी की बहुत बड़ी हकीकत। शायर कह रहे हैं कि इंसान की आरजू कभी ख़त्म नहीं होती। इंसान ये चाहता है कि वो अपनी ख्वाहिशात को महदूद करे, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाता। हर ख्वाहिश इंसान को ये लगता है कि ये उसकी आखिरी ख्वाहिश है, अगर उसे ये मिल जाए तो बस कमाल हो जाए। लेकिन जब वो कमाल हो जाता है तो वो फिर मज़ीद की तलब करता है। कहते हैं यहाँ पे मेरे दर्द भी इसी कैफियत का जिक्र कर रहे हैं कि मैंने जो कुछ आरज़ू की वो मिली, लेकिन मेरी अब ये ख्वाहिश है कि काश मेरे दिल में कोई तमन्ना ना हो। इंसानी तमन्नाएं लामहदूद हैं। इंसान को खूब से खूब तर की जस्तजू जो है परेशान रखती है। फिर ये ज़िंदगी की कोई भी चीज़ हो, चाहे वो मादी चीज़ें हों, चाहे वो सलूक की मनाजिल हों, चाहे वो कुछ हो, चाहे वो इश्क हकीकी हो, चाहे वो इश्क मजाजी हो, अगर इंसान कनात कर ले तो फिर तो ज़िंदगी का अमल रुक जाए। शायद ये हमारी सरिश्त है, हमारी फितरत है, हम रुक नहीं सकते। हमने खूब से खूब तर की तलाश में रहना है, एक के बाद एक आरजू हमारे दिल में पनपती रहेगी। ये दर्द भी इसी हकीकत का इजहार कर रहे हैं कि हम अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह हमें इनायत कर देता है, हमें मिल जाता है जो हम चाहते हैं, लेकिन फिर कोई नई ख्वाहिश सर उठाती है। तो काश कि अब मेरी ये दुआ है, मेरी ये ख्वाहिश है कि अब मेरे दिल में कोई ख्वाहिश ना हो। जो बामल लोग होते हैं, बामल सूफी होते हैं, वो ये सलूक की मंजिल तय कर लेते हैं, इरफान कि ये मंजिल उनको हासिल हो जाती है कि उनका दिल दुनिया से बेनियाज हो जाता है। और ये तवक्कुल की इंतहाई शक्ल है, ये बेनियाजी और इस्तग़ना की इंतहाई शक्ल है, जो बड़े बड़े औलिया, अंबिया और सूफिया का वस्फ है। आम इंसान इस दर्जे तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए ये मेरे दर्द भी इसी चीज़ की ख्वाहिश कर रहे हैं। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। जूं शम्मा जमा हुए कर अहले ज़बां हज़ार, आपस में चाहिए कि कभी गुफ्तगू न हो। दर्द का ये शेर तशबीह की मिसाल है। इसमें उन्होंने अहले ज़बान को शमा से तशबीह दी है। शमा का शोला ज़बान की मानद होता है। शमा जलती है, पिघलती है, लेकिन बोलती नहीं, हरफे शिकायत ज़बान पर नहीं लाते। इसी तरीके से शायर जहाँ कह रहे हैं कि अहले ज़बान जहाँ कितने भी जमा क्यों ना हो, उनको चाहिए कि वापस में गुफ्तगू ना करें, खामोशी इख्तियार करें, क्योंकि खामोशी और सकूत भी एक फसीह व बलीग गुफ्तगू का नाम है। डूबा हुआ सकूत में है जोशे आरज़ू, अब तो यही ज़बान मेरे मुद्दा की है। मेरे दर्द ने एक और मकाम पे यही मज़मून जो बयान किया है, सरता कदम ज़बां हैं जो शम्मा गो के हम, पर ये कहाँ मजाल जो कुछ गुफ्तगू करें। एक सूफ़ी का दिल दुनिया की मकरूहात से खाली होता है और वो ऐसी जगह है जहाँ खुदा रहता है। एक ऐसा आईना है जिसमें वो अल्लाह की सिफात के जलवे देखता है। इस शेर का एक दूसरा पहलू भी हो सकता है कि गम इंसानी ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा है। किसी भी इंसान को गम और मुसीबतों से फरार मुमकिन नहीं। कम ज़र्फ़ और कम हिम्मत लोग शिकवा शिकायत करते हैं, लेकिन बाहिम्मत लोग हौसले और अज़्म और इरादे के साथ ज़िंदगी का मुकाबला करते। जूं सुबह चाक सीना मेरा ए रफू गिरां, यहाँ तो किसू के हाथ से हरगिज़ रफू ना हो। उर्दू अदब की शेरी रिवायत में दीवानगी इश्क की वो कैफियत है जिसमें दीवाना बेखुदी के आलम में सहरा का रुख करता है और अपना गिरेबां फाड़ लेता है। मौसम बहार के आते ही उसकी दीवानगी अपने इंतहा को पहुंच जाती है, उस पर एक बेखुदी की कैफियत तारी हो जाती है। ये बेखुदी उसे खुद से बेगाना कर देती है। यही दीवानगी उसका गिरेबां कभी सलामत नहीं रहने देती। इसी शेरी रिवायत का एक किरदार रफू गर भी है, जो आशिक के चाक गरेबा को रफू करना चाहता है, यानी उसे इस अजियत से निकाल कर अक्लो खिरत की रोशनी मिलाना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ जनून में दीवाना अपना गरेबान चाक करता है, फटे हुए गरेबान की धज्जियाँ उड़ाता है, जंगलों की राह लेता है। मीर तकी मीर ने कहा था, अब के जनून में फासला शायद न कुछ रहे, दामन के चाक और गरेबां के चाक में। अकल का काम फटे हुए गरेबान को रफू करना है, जुनून का काम उसे चाक करना है।
इस शेर में भी दर्द चाक सीने को सुबह से तशबी देते हैं। इधर रात का सीना चाक चाक होता है तो सूरज निकलता है। जनों की दुनिया में भी सीना चाक चाक होता है तो दिल का सूरज अपना जलवा दिखाता है। अल्लाह ताला भी चाक सूरज से चाक सुबह से सूरज को उभारते हैं। अहले जुनून भी चाक रेबान से दिल की ताबंदगी के जलवे दिखाते हैं। अहमद-ए-दीन कासमी ने एक जगह कहा था, तू भी एक आफ्ताब का खालिक है जनू, तू भी एक आफ्ताब का खालिक है जनू, चाके सहर से चाके गिरेबां मिला के दे। ऐ दर्द जंग सूरत अगर इसमें जा करे, अहले सफा में आईने दिल को रू न हो। मक्ते का शेर है। सूफिया दिल को आईने से तशबीह देते हैं। दिल का आईना साफ और शफाफ तभी रह सकता है अगर उसमें अल्लाह की मोहब्बत हो। अगर गैर अल्लाह की मोहब्बत दिल में आ जाए तो वह आईना संग आलूद हो जाता है, और संग आलूद आईना ना कोई जलवा दिखा सकता है ना कोई जलवा समेट ही सकता है। दर्द इस शेर में कहते हैं, दिल के आईने को शफाफ रखने के लिए ज़रूरी है कि इसमें कोई संग सूरत जगह ना पाए, यानी वो दुनिया की आलूदगियों और आसाइशों से पाक रहे। अगर दुनिया दिल में समा जाए तो फिर महबूबी हकीकी दिल में नहीं आ सकता। महबूबी हकीकी दिल में तभी जगह पाता है जब इंसान दुनिया की ख्वाहिशात से जान छुड़ा ले। ऐ मेरे दिल के चैन, मेरे दिल की रोशनी, आ और सुबह कर दे शबे इंतजार की। दर्द जिनको अहले सफा कहते हैं वो दिल वाले होते हैं, वो सूफिया कराम होते हैं। उनके दिल के आईने साफ शफाफ होते हैं, वो उसे जंग से बचा बचा के रखते हैं। उसका नतीजा होता है कि अल्लाह इनके सामने आ जाता है, इनके दिल के आईने अल्लाह के जलवों से रोशन हो जाते हैं, उनकी दिल की आँख खुल जाती है, उनकी बातनी आँख उनको वो नज़ारे दिखाती है जो ज़ाहिरी आँख कभी देख नहीं सकती। हर चंद आईना हूँ पर इतना हूँ ना कबूल, मुँह फेर ले वो जिसके मुझे रूबरू करे। ये भी अमीर दर्द का शेर है। मुख्तसर ये कि दिल एक आईना है, दुनिया की आलाइशियों से आलूदा कर देते हैं। आलूदा दिल अल्लाह की जलवागाह नहीं बन सकता, नवा अल्लाह की याद आ सकती है। इसलिए दिल को दुनियावी आलाइशों से पाक साफ रखना चाहिए ताकि हमें अल्लाह का जलवा हर तरफ नजर आए। आतिश ने कहा था, चारों तरफ से सूरत जाना हो जलवा कर, दिल साफ हो तेरा तो है आईना खाना क्या।